सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो ऑफ यूट्यूबर्स लाइफस्टाइल। तो आज हम बात करने जा रहे हैं मराठी बिग बॉस रियलिटी शो के सीजन 3 की कॉन्टेस्टेंट स्नेहा वाघ के बारे में, जिन्हें सब शेरनी के नाम से जानते हैं। इन्होंने इनकी स्टाइल और इनकी अदा से सबको हिला के रख दिया है। मराठी स्टार होकर भी लोग इन्हें काफी ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। तो आप में जो भी इनके फैंस है वो वीडियो को एंड तक जरूर देखे और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और अगर आप इंस्टाग्राम पे हो तो प्लीज यार मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलना, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। तो इनका पूरा नाम स्नेहा गणेश वाघ और इन्हें सब शेरनी कहते हैं। इनका जन्म 4 अक्टूबर 1987 को कल्याण महाराष्ट्र के एक गरीब घराने में हुआ था। इनकी उम्र फिलहाल 2021 के हिसाब से 38 साल है। पेशे से एक एक्ट्रेस और मॉडल है। बात करें इनके एजुकेशन की तो इन्होंने इनकी स्कूलिंग होली क्रॉस कॉन्वेंट स्कूल कल्याण महाराष्ट्र से की और फिर इन्होंने इनका ग्रेजुएशन बिरला कॉलेज कल्याण महाराष्ट्र से किया। इन्होंने लंदन में फिल्म मेकिंग का कोर्स भी किया है। इन्हें फिलहाल मराठी इंडस्ट्री में काफी ज्यादा फेम मिलता आ रहा है। ये इनकी एक्टिंग से सबको अपना सा कर रही है। इन्होंने इनके कॉलेज के मॉडलिंग शोज में भी हिस्सा लिया था। इन्होंने इनके एक्टिंग करियर की शुरुआत 17 साल की उम्र से की मराठी थिएटर प्लेस में काम करके, और 19 साल की उम्र में इन्होंने एक्टर आविष्कार दारवेकर के साथ शादी की। बाद में उन्होंने उनके साथ डाइवोर्स ले लिया। स्नेहा का कहना था कि वो उन्हें काफी तकलीफ देते थे, इस कारण उन्होंने डाइवोर्स लिया। बाद में उन्होंने 7 साल के बाद अनुराग सोलंकी से शादी की, पर शादी के 8 महीने बाद ही उन्होंने उनके साथ भी डाइवोर्स लिया। इन्होंने बहुत से हिंदी टीवी सीरियल्स में भी काम किया है, जैसे कि 2012 में एक वीर की अरदास, 2017 में शेरे पंजाब, 2018 में मेरे साथी, साल चंद्रगुप्त मौर्य। इन्होंने 2014 में सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग क्रिकेट लीग में जयपुर जोशीले टीम की ओर से हिस्सा लिया था और फिलहाल वो बिग बॉस मराठी रियलिटी शो सीजन 3 की कॉन्टेस्टेंट है। करें इनके फिजिकल स्टैट की तो इनकी हाइट 5 फुट और इनका वेट 76 kg है। इनके इंस्टाग्राम पे सितंबर 2021 के हिसाब से 217,000 फॉलोअर्स है। तो आप में से कौन कौन इनके फैंस है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलना।